हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल उम्मीद है सब खैर से होंगे वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग आज मैं बात करने वाली हूँ फेशियल हेयर के बारे में फेशियल हेयर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है हम गर्ल्स के अंदर और हम इसे खुल के बात नहीं करते हैं और बात करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि सोचते हैं कि यार अगला बंदा सोचेगा कि वो हॉर्स के मुंह पे बाल आए हुए हैं या ये इसके मुंह पे दाढ़ी आ गई है और इस टाइप की कमेंट्स और ये हमारी अबजम्पन्स हैं खैर बहरहाल आज मैं बात करूंगी अपने फेशियल हेयर जर्नी के बारे में मेरा फेशियल हेयर जो था वो वो दिस दिस पैच वो सिर्फ इतना था और मेरे लाइट लाइट चिन पर हेयर्स थे खैर बहरहाल मैं फैसलाबाद की एक नॉन डॉक्टर है मैं उनका नेम नहीं लूँगी जो मुझे जानते हैं दे नो कि क्या कौन है और कौन नहीं खैर मैं उनके पास ट्रीटमेंट ले रही थी लेज़र का अच्छा पहली बात क्या सोचूंगी लेज़र ही क्यों फेशियल uh, हेयर थे और लेज़र ही से क्यों शुरू किया गया मैं वैक्सिंग का प्रोसेस या थ्रेडिंग का प्रोसेस फेस के लिए सेफ़ नहीं समझ रही थी मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की मुझे समझ अच्छा ही नहीं लग रहा था सेफ़ नहीं लग रहा था फॉर लॉन्ग टर्म तो मैंने इसीलिए लेजर से ही स्टार्ट करवाया माई पैच वॉज दिस मच तो जो डॉक्टर थी उनके जो बाकी स्टाफ वगैरह था वो लेज़र करते थे डॉक्टर खुद नहीं करती थी ना ही वो उधर प्रेजेंट होती थी तो वो मेरा जो ये पैच था वो एक करता करता उन्होंने यहाँ तक कर दिया ठीक है और इट्स नॉट फ्रॉम वन साइड मेरी बोथ साइड्स पे ही इतना पैच उन्होंने ये लेज़र का स्टार्ट कर दिया अच्छा अब जब मेरा इतना ज़्यादा पैच बढ़ गया आहिस्ता आहस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाल बरी लाइट थे ना बिल्कुल कि पता भी नहीं चलते थे बिल्कुल बेबी हेयर जैसे कहें सॉफ्ट फेशियल हेयर नेचुरल जो होते हैं बिल्कुल वैसे थे फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा लेज़र का ट्रीटमेंट होता गया मैं हर मंथ जाना स्टार्ट हो गई उनके पास और वो मेरे जो हेयर्स थे वो थिक आना स्टार्ट हो गए ब्लैक थिक हेयर्स थे जो के बुरे लग रहे थे और जब वो धूप में आओ तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे और अच्छे नहीं लग रहे थे फिर बहरहाल आई स्वच माई डॉक्टर वो एक अलग प्रोसेस एंड जर्नी है खैर बहरहाल मैं अब बात ये करूँगी कि मैंने अब कौन सा फेशियल हेयर का प्रोसेस स्टार्ट किया और मैं मुझे कितना टाइम हो गया लेते हुए मुझे अब लेज़र करवाते हुए थ्री ऑलमोस्ट ईयर्स हो गए हैं लेकिन जब स्टार्टिंग थी ना वेरी स्टार्टिंग जब मैं बता रही हूँ जिस डॉक्टर के पास मैं जाती थी उनमें आता था मैं एवरी मंथ जाती थी एवरी मंथ मुझे लेना पड़ रहा था ट्रीटमेंट यहाँ के हेयर्स भी ब्लैक होना स्टार्ट हो गए और ये पैच यहाँ तक आ गया और आहिस्ता आहिस्ता वो वर्स्ट मुझे कंडीशन फील हो रही कुछ होता है कि आपको हार्मोनल फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर है आते हैं तो यू कैन से कि वो मेरा एक था तो खैर बहरहाल इट्स अ लॉन्ग एंड सेपरेट टॉपिक तो अच्छा फिर मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद जी मैंने डॉक्टर स्विच की जब मैंने ये डॉक्टर स्विच की तो मैंने स्टार्ट में इनके पास भी मैं स्टार्टिंग थ्री फोर मंथ्स ऑलमोस्ट गई हूँ लाइक एवरी मंथ गई हूँ लेकिन उनकी और इनकी लेज़र के अंदर फ़र्क ये था कि वो जब करती थी ना रैश रेडनेस और स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती थी लेकिन जिस डॉक्टर के पास मैं अब जा रही थी अब ट्रीटमेंट ले रही थी डॉक्टर अक्सा मैंने उनके साथ पहले एक व्लॉग आ, शूट किया था आप लोगों ने शायद देखा हो नहीं भी देखा तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि उनकी क्या सर्विसेज़ एम एक्सेट्रा है खैर बहरहाल मैं उनके पास जाना शुरू होगी डॉक्टर अक्सा के पास आ, स्टार्टिंग मंथ्स में मैं उनके पास भी तकरीबन थ्री फोर मंथ्स ही गई थी क्योंकि जब आप डॉक्टर्स मेरी लेजर का वो जो प्रोसेस था वो चेंज हुआ और लाइक वो वाली लेज़र से मेरी स्किन रैश हो रही थी रेड होती थी और जो डॉक्टर अक्सा वाली थी वो आ, मुझे उस लेज़र का नाम नहीं याद आ रहा लेकिन दैट्स गुड क्योंकि वो स्किन के ऊपर रैश भी नहीं कर रही थी और रेड भी नहीं करती थी और हीट भी नहीं करती थी मेरी स्किन सबसे पहले वो लेज़र के लेज़र करते वक्त जेल अप्लाई करती हैं एंड इट्स ए कूल वो बहुत अच्छा है अब मुझे लेज़र कराते हुए ऑलमोस्ट फोर इयर्स होने लगे और अब जो लेज़र है ना और इस चीज़ को भी मैं अब हर मंथ लेज़र नहीं करती हूँ मैं मुझे तकरीबन टू थ्री मंथ आराम से गुजर जाते हैं आराम से जिसे गए और फिर अगर कभी बाल हल्के हल्के आ भी जाते हैं मंथ के अंदर तो मैं फेशियल रेजर से ये रिमूव कर लेती हूँ फेशियल रेज़र के बारे में बात करूँगी एक रेज़र आता है रेज़र होता है एक जो मैं उसकी पिक्चर इस तरह का रेजर वो आप लोगों ने यूज नहीं करना बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये वाला जो रेजर होता है ना वो आपके फेस पे थिक हेयर लाता है चाहे वो उन्होंने लिखा हो जी फॉर वुमेन्स और ये वो एक्सेट्रा एक्सेटा बट नो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता कि आपका एक्सपीरियंस और किसी सेंस में रहा हो और uh, मैं यूज़ करती हूँ ये फेस रेजर और इसका ब्लेड जो है ना ये शार्प भी नहीं होता बिल्कुल मतलब तेज़ नहीं है तो इट्स सो सेफ एंड साउंड मैं इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे अब और वेरी इजी पीजी सा है और आपके बैग में भी कहीं बड़े इजी से आ जाता है आप रख के आराम से लेके जा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसे यूज़ करने के लिए भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी अगर आपको हार्मोनल इशू नहीं है ना तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और लेज़र करवाना चाहते हैं तो लेज़र भी इज़ अ गुड ऑप्शन आप स्टार्ट करवाएँ ताकि आपकी वो जो ग्रोथ है बालों की वो ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो और 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 अगर है तो पहले आप अपना हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाएँ उसके बाद आप लेज़र या रेज़र के ऊपर आएं मैं वैक्सिंग और थ्रेडिंग फेस के लिए रिकमेंड नहीं करती बिल्कुल भी तो ये आप लोग ट्राई करें मैं भी यही करती हूँ अभी भी मेरे करने वाले हैं हल्के हल्के अपर लिप्स आ गए हैं और अभी मुझे लेज़र करवाई को भी काफ़ी टाइम हो गया हुआ है तो मैं अभी थोड़ा बहुत से बाल रिमूव करने वाली हूँ अपने तो मैंने कहा था आप लोगों के साथ ही ये प्रोसेस भी कर लिया जाए अब मेरे जो बाल है ना ये देखें वो जो हल्के हल्के मैंने कहा था ना फेस भी आते हैं बस इट्स दिस मच लाइट ये अगर मैं क्लोज ना करूं तो ये नज़र भी नहीं आते मतलब इतना पता भी नहीं चलता कि हैं और आ, टच में भी ये नहीं आते बिल्कुल स्किन के साथ के और बिल्कुल बिल्कुल मुरझा से गए हैं बिल्कुल बाल तो देखें अगर मेरी इसकी बालों की शेप नीचे की तरफ है तो मैं इरेजर भी नीचे की तरफ ही से करूँगी ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने ना ये देखें इसे नीट कर लिया। इसी तरह मैं अपने इस साइड के भी वाल रिमूव कर लेती हूँ और पता भी नहीं चलता जब ये बाद में आते हैं ये हार्ड भी नहीं होते हैं और बिल्कुल पता नहीं चलता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को बस यही रिकमेंड करूंगी पहली बात ये मैंने बताई कि अगर आपको हार्मोनल ईश्यू है या लग रहा है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट लें उसके साथ या उसके बाद आप अपना लेज़र करना चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट लें क्योंकि लेज़र लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर बंदा देखा जाए ना तो ये इट्स नाइस एंड इट्स गुड क्योंकि आपके बाल बढ़ाएगा नहीं कम ही करेगा ख़त्म हो जाएंगे शायद टाइम के साथ साथ क्या पता आपके हार्मोन्स इस तरह के कुछ लोगों को बाद में नहीं भी ज़रूरत पड़ती वो कहीं महीनों बाद कोई एक अदर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये है और जो रही फेस रेजर की बात तो इट्स नाइस इट्स इजी एंड इट्स सेफ टू यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है वो ये है कि आपने जब भी रेज़र करना है ना अपने फेस को एक अच्छे तरीके से वॉश ज़रूर कर लें और कोई सीरम वगैरह है वो अप्लाई कर लें आप लोग मुंह के ऊपर अगर सीरम नहीं है तो हल्का आ, सा कोई क्लेंजिंग कर लें ताकि आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगर हुई हुई है ड्राई है तो थोड़ी सी ना मॉइस्ट हो जाए क्योंकि अगर आप ड्राई बिल्कुल ड्राई स्किन के ऊपर आप इसको करेंगे ना अप्लाई तो आपके कट भी आ सकता है वैसे तो ये शार्प रेज़र नहीं है बिल्कुल भी शार्प नहीं है अगर दूसरा रेज़र होता है ना मतलब रेजर तो वो वाला शाप होता है उसका ब्लेड बहुत तेज होता है तो आपके कट वग़ैरह लग सकता है ईजीली तो मेक श्योर sure आपका हल्का सा फेस जो है वो क्लिन हुआ हो या सॉफ़्ट हुई हुई हो स्किन क्योंकि इसके बाद आपकी जो डेड स्किन है ना जो ये एक्स्ट्रा कोई भी स्किन होगी या पैची होगी वो वैसे भी उतर जाएगी क्योंकि ये रेजर आपकी स्किन को एक्स्ट्रा लेट करता है ये लाइक स्क्रब टाइप सा कर लेता है तो आपकी जो डेड स्किन है वो आपकी ईजीली रिमूव हो जाएगी और एक और बात कि अब लोग सोच रहे होंगे कि लेज़र ये करा रही है तो अब तो ये है नहीं इधर पाकिस्तान तो कैसे अब करती होगी लेज़र लेज़र और किससे कराती होगी यहाँ पे एक्चुअली जो लेज़र वाला है ना वो टू मच है टू मच तो वैसे मैंने उस टू मच से बचने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर ली थी काफ़ी देर पहले की क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होती है यहाँ पे तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि वो जो इट्स टू मच दिस मच दिस दिस मच वेरी मच खैर तो मैंने एक लेज़र लेज़र मशीन ली है अपने लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी और सेफ़ है यूज़ करने के लिए और उसे भी मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट वन ईयर हो गया हुआ है तो मैं उसका जो लिंक है या पिक्चर है वो मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ आपके साथ पिक्चर ये वाली लेज़र मशीन है और जो लिंक है इसका वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी मैंने ये वैसे अमेजोन से ख़रीदी थी और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है लेकिन इट्स सेफ साउंड और लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि रेज़र करते हैं उसके बाद लेज़र हो जाती है एंड ऑल दैट क्लियर एंड कट स्टफ़ और अगर आप नहीं भी करते हैं मुझे ज़रूरत नहीं भी अब जैसे होती हर एवरी मंथ नहीं है मुझे ज़रूरत है लेज़र की तो मैं जस्ट रेज़र से ही काम चलाती हूँ रेज़र कर लिया एंड ऑल इट्स गुड टू गो मेरा फेस नीट हो जाता है और वो हल्के मल्के आते हैं और मुझे आपको लोगों को पता है मुझे अपर लिप्स भी नहीं अब मैं कराती इसको भी कराए हुए बड़ा टाइम हो गया है बस लेज़र हो जाती है और ऑल डन सिर्फ आई की ज़रूरत होती है मुझे बाकी और नहीं होती तो दैट्स इट फॉर नाउ अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा वैसे मैं ये कहती नहीं हूँ लेकिन अब मैंने कह दिया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा I'm going to see you in my next vlog. Bye bye.